मामा की सच्चाई आने वाली है सबके सामने, क्या इसके बाद सब होंगे शर्मिंदा और यहाँ पर सुरेखा ईशान दोनों ही सभी से माफी मांगेंगे। चलिए बताते हैं क्या होने वाला है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले ट्रैक में। मैं सबसे पहले हम देख सकते हैं कि आजकल का ट्रैक जो है वो मुकुल मामा के इर्द गिर्द घूम रहा है, जहां पर वो बार बार अनवी को परेशान करते हैं और यही चीज सभी को बर्दाश्त नहीं होती। सभी सोचती है कि अनवी को बाकी घर वालों को बता देना चाहिए। वहीं पर हमने देखा भी किस तरह ईशान जो है उसको भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं है। जब रीवा ईशान को खाना देने आती है तो रीवा भी कहती है कि मुझे भी लगता है कि अनवी को एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, लेकिन तभी ईशान जो है वो कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है सभी चाहती क्या है, सभी तो कुछ और ही सोच रही है। हालांकि वो रीवा को कुछ बताता नहीं है। अब ये सारी बातें तो हो गई, इसके अगले ही मोमेंट आप देखते हैं कि कैसे सुरेखा, मुकुल और जो मामी है वो साथ में बैठे होते हैं, जहां पर सुरेखा जो है वो कहती है कि नहीं भाई सभी जो है वो बहुत तेज लड़की है, वो पता नहीं क्या क्या आगे करने वाली है। ये सारी चीजें भी हो गई। इसके बाद कल एक प्रोमो आया था जहां पर अनवी जो है यशवंत को जाकर सच्चाई बताती हुई नजर आई थी, क्योंकि जब सभी ने अनवी को समझाया था सभी ने कहा था कि अनवी देखो इस गमले की तरह जब तक ये फूटा रहेगा तो इसमें से इसका सब कुछ निकल जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि वक्त रहते सबको जाकर सच बता दो। अब अनवी ने भी फैसला लिया, पूरा परिवार बैठा हुआ है जहाँ पर पहले तो सभी आती है, सुरेखा, दुर्वा ये सब बैठकर चाय पीते हैं तो सुरेखा कहती है लो मुसीबत का नाम लिया और मुसीबत आ गई। वहीं पर सभी इस तरह से सबको देखती रहती है। वहीं पर यशवंत, निशिकांत भी खड़े होते हैं। अब अनवी जो है सबके सामने आती है और यशवंत को कहती है काका मुझे आपसे कुछ बात करनी है और कल जो हुआ था उसी बारे में बात करनी है, जिसके बाद निशिकांत और जो भाई साथ में ईशान खड़ा है दोनों के दोनों हैरान है। रीवा का चेहरा भी देखने लायक है। वहीं अनवी के बगल में दुर्वा खड़ी है, दुर्वा भी अनवी को देखे जा रही है कि आखिर अनवी क्या बताने वाली है। वही बात करें अश्मिता की तो अश्मिता भी अपनी बेटी के पीछे पीछे आ जाती है। ये सारी चीजें हो रही है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि अनवी जो है यशवंत को सच्चाई बताने वाले और जब वो सच्चाई बताएगी तो कहीं ना कहीं सुरेखा जिद्दी हो रही, क्योंकि एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें सुरेखा जो है रोती हुई नजर आ रही है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा जब सच में सबको पता चलेगा कि सभी बिल्कुल सही थी। उसने जो मामा जी पर इल्जाम लगाए थे वो भी बिल्कुल सही थे, उसने सही कहा था कि वो अनवी के साथ बदतमीजी करते हैं। इसके बाद ईशान नहीं बल्कि पूरी फैमिली जो है वो गिल्टी होने वाली है और सभी से माफी मांगेगी। आप कितना ज्यादा वेट कर रहे हैं उस एपिसोड का कमेंट करके बताइए और इसी तरह की अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।